चलिए फर्ज करें मान लिया आपके लिए शादी जरूरी है, लेकिन मुझसे क्यों? अगर मैं कहूं मुझे आप पसंद है, दो दिन में आपको मुझ जैसी आम सी लड़की पसंद आ गई? आप नहीं है आयशा। खोली मैं ना कुछ बोली जाने ना। कुछ नहीं जी, कुछ चाहिए? सच, आपका सच। दो कॉफी प्लीज। कल मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। आप जानते हैं आपकी हरकत की वजह से मेरे घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ है? अब क्यों करना चाहते हैं आप शादी? समझने मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है। कैसे समझ लो? जब तक आप समझाएंगे नहीं मैं कैसे समझ लू? चलिए फर्ज करें मान लिया आपके लिए शादी जरूरी है, लेकिन मुझसे क्यों? अगर मैं कहूं मुझे आप पसंद है, दो दिन में आपको मुझ जैसी आम सी लड़की पसंद आ गई? आप नहीं है आयशा। मेरी नजर में आप बहुत कीमती हैं। जिसके दिल में जितना एहसास होता है वो उतना ही कीमती होता है, और मेरी नजर में सबसे सबसे अमीर इंसान वो है जिसके जितने ज्यादा रिश्ते हैं। उन रिश्तों की ख्वाहिशात के लिए वो अपने आप को भुला देने को तैयार हो। आप मुझे ये मत बताएं कि मैं कैसी हूं, आप मुझे अपनी सच्चाई बताएं। ठीक है, मैं आपको पूरा सच बताने की हिम्मत करता हूं, लेकिन उसके बाद आप यकीन रखिएगा। मैं 9 साल का था जब मिसेस सलमान मुझे छोड़ के चली गई। मिसेस सलमान? आपकी मदर? आप कह सकती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। बचपन में मजहब से लेकर सोसाइटी के तौर तरीके तक मैं समझता रहा कि जिस माँ को खुदा भी रहीम कहता है वो अपनी औलाद को छोड़ के कैसे जा सकती है। सड़क पर रहने वाला जानवर भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पानी पीजिए। उठो, देखिए आयशा बैठी है, बासित भाई भी साथ है। क्या हो गया तुम्हें? कोई और होगा। मुझे तो पकड़ पकड़ के घर लेकर आती है, उसको खुद देखें। तो वो मुझे छोड़ के चली गई, कभी वापस नहीं आई। हाँ, कभी कभी फोन किया करती थी और मैं उनसे वापस आने की बहुत जिद किया करता था। फिर एक दिन मैंने जिद करना छोड़ दी और उन्होंने मुझे फोन करना छोड़ दिया। और इज्जत से मेरा एतबार उठ गया। जो औरत माँ होने का मान नहीं रख सकती वो उसके सामने बाकी सारे रिश्ते तो छोटे। तो फिर आप शादी क्यों करना चाहते हैं? जब से मेरा यकीन उठा तो बाबा का दिल बहुत बैठ गया। उन्हें लगा अगर मैं अकेला रहूंगा तो शायद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो उन्होंने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी कि हर वो चीज जिस पे मेरा हक है उसको हासिल करने के लिए मुझे शादी करना बहुत जरूरी है। हम अपनी विरासत पाने के लिए शादी करना चाहते हैं।
सुनने में ऐसा ही लगेगा। देखिए, मैंने बाबा को जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं दी। उन्होंने इस फर्म, इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत की। मैं उनके ख्वाब रायगा नहीं जाने दे सकता। उसी तरह जिस तरह आपकी अम्मी की उस दिन किराए वाली बात पे आपसे एक उम्मीद जुड़ी थी, मैंने बहुत हिम्मत जोड़ के आपको। जी मैं हूँ मायूस सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लंदन नहीं जाऊँगा कि सारी म्यूज़िक वीडियोस या म्यूज़िक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप एआर बाय डिजिटल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।